तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कब लोग स्टेजिंग में कौन कौन से मटेरियल लगते हैं और उसी के साथ साथ उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। पिछले बार मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें बताया था कि कप लॉक स्टेजिंग में क्या क्या यूज़ होता है, लेकिन आप लोगों ने ही उसमें कमेंट किया और पूछा कि सर इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सीधा साइड से आ चुका हूँ हमारे इंजीनियर्स के साथ, जहाँ पर आज आप लोग सीखने वाले हैं कि कप लॉक सिस्टम में जो वर्टिकल्स लगते हैं, जो लेज़र्स लगते हैं, यू जैक लगते हैं, बेस जैक लगते हैं, उसकी क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। तो बने रहेगा वीडियो के साथ। और इंजीनियर्स, अगर आप भी करना चाहते हैं ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग को, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इंजीनियर, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेजिंग जो होती है, कप लॉक स्टेजिंग, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं हमारे स्टेजिंग के लिए। तो जैसे कि इंजीनियर्स आप लोग देख रहे हो कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड, और ये क्या है हमारे लेजर्स, है ना। और इसके बॉटम में आप लोग देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस जैक। और ऊपर भी एक वर्टिकल हमारा चीज़ आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यू जैक, जो हमारे सपोर्ट करता है रनर्स को। तो इसकी भी क्वांटिटी हम लोग निकालना सीखेंगे। चलिए वहाँ पर चलते हैं और क्वांटिटी निकालना देखते हैं। तो अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा प्लान बना देता हूँ यहाँ पर। मान लो कि हमारा एक प्लान है ये 10x10 का, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर का है ना। और इस पे हमारे लगने वाले स्टेजिंग्स, जिसमें से सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, स्टैंडर्ड, है ना। तो स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से लगेगा, कॉर्नर से, है ना, ऐसे स्टैंडर्ड्स लगेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स को। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये वाला हमारा वाई डायरेक्शन है। तो इसकी बीच की जो स्पेसिंग होती है वो डिपेंड रहता है हमारे लेज़र्स पे। जैसे कि आपको ये लेज़र दिख रहा है, जितना ये लेज़र होगा वही स्पेसिंग हमारे स्टैंडर्ड के बीच की होगी, दो स्टैंडर्ड के बीच की। तो इसको नापो तो इसके बीच के डिस्टेंस, तो जैसे कि इंजीनियर्स आपको देख रहे हैं कि एक मीटर का है ना, एक मीटर का हमारा स्टैंडर्ड लगा हुआ है। तो एक मीटर की स्पेसिंग आ गई इसकी। तो अगर मैं अभी निकालता हूँ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो क्या निकल के आएगा, नंबर इज इक्वल्स टू, जैसा कि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 10 अपॉन स्पेसिंग, मतलब लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस वन। प्लस वन क्यों किया मैंने, क्योंकि एंड टू एंड लगेगा। तो कितने नंबर्स निकल के आ गए, 11 नंबर्स। और सेम मुझे y डायरेक्शन के लिए भी निकालना है, नंबर्स अलोंग y डायरेक्शंस, तो कितने आ जाएंगे, अगेन 10 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। तो टोटल निकालना पड़ेगा मुझे, टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11, जितना इधर लगा उतना उधर लगेगा, तो 11 इंटू 11 करना पड़ेगा। तो ये कर दिया मैंने 11 इंटू 11, तो आपका नंबर कितना निकल के आया, 121 नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड हमारे निकल के आ गए। तो देखा इंजीनियर्स कितना इजी है इसको निकालना, है ना। अब हमको निकालना है लेज़र। अब लेज़र कैसे लगेगा वो भी देख लेते हैं। ये दोनों के बीच में लेज़र लगेगा, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, और ये दोनों के बीच में। तो अगर एक डायरेक्शन में 11 नंबर ऑफ स्टैंडर्ड है, इसका मतलब 10 नंबर ऑफ लेज़र्स लगेंगे, है ना। 10 स्टैंडर्ड है तो दो के बीच में एक लगता है, तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब 10 नंबर ऑफ लेज़र्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ लेज़र निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ लेज़र्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, मतलब 100 नंबर्स निकल के आ जाएंगे मेरे। लेकिन ये 100 तो हुआ एक जगह पर, 100 क्या हुआ एक जगह के लिए, लेकिन
एक वर्टिकल में या एक स्टैंडर्ड में हमारे दो लेज़र्स लगते हैं। देख रहे हो, आपको लेज़र्स दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे कि हमारे पास कितने हैं, ये देखो, तो कितने कप लॉक्स हैं इसमें। इसमें देखो, एक नीचे दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच, ये 2 मीटर का है, इसके वजह से 5 हमारे लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो बीच में इसको सपोर्ट ज़रूरी है, तो इसके वजह से यहाँ पर 5 लग रहे हैं। लेकिन 5 में लगाना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें 2 में भी लगा सकते हो या 3 में भी लगा सकते हो। अगर आपको लगाना है 5ों में तो 5ों में भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर इसमें 5 है तो सिर्फ 2 में लगा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस 5 में से सिर्फ 3 में लगाते हैं। 2 मीटर की हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर की है, तो इसमें हम लोग 3 लगाते हैं एक स्टैंडर्ड में। तो एक जगह पर कितना आया, 100, तो 3 नंबर्स लगाना है एक ही में, तो कितना आ जाएगा, 300। तो इजी था निकालना, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेज़र्स, कितना हो जाएगा, 300 नॉज। अब आपको निकालना है क्या, बेस जैक। ये बेस जैक होता है, क्या काम करता है बेस जैक, ऊपर से जो भी लोड आता है उसको नीचे वाले फ्लोर पे या नीचे सॉइल होगा उसमें ट्रांसफ़र करने का काम करता है बेस जैक का। तो नंबर ऑफ बेस जैक कितने आएंगे, हाँ, जितने स्टैंडर्ड होंगे उतने। कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 121। तो नंबर ऑफ बेस जैक इज इक्वल्स टू 121 नंबर्स। और सेम आपको यू जैक भी लगाना पड़ेगा, यू जैक दिखाओ, ये आपको यू जैक दिख रहा है। यू जैक का काम क्या है, बिल्कुल कि ऊपर से जो रनर्स आते हैं हमारे उसको सपोर्ट करने का काम है, कि वहाँ से लोड को ये स्टैंडर्ड में भेजता है, स्टैंडर्ड बेस में डालता है और बेस से सीधा ये हमारे नीचे चले जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ यू जैक इज इक्वल्स टू 121 नंबर। तो देखा इंजीनियर्स कितना इजी था ये निकालना। तो इंजीनियर्स आप लोग ने भी देख लिया कि कितना इजी था, और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आई होप मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को मैं बोलूं, मान लो कि यहाँ पर प्लाई शटरिंग हो रही है, तो क्या इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंजीनियर्स आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर आपको एक प्लाय दिख रहा होगा जहाँ पर उन्होंने प्लाय रखा हुआ है, तो एक प्लाय की साइज़ क्या होती है, 4 फीट बाय 8 फीट की। तो आपको अगर इस पूरे एरिया के लिए निकालना है तो क्या करोगे, पूरे एरिया को डिवाइड कर दोगे एरिया ऑफ 1 प्लाय से, तो आपको नंबर ऑफ प्लाय भी निकल के आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ परसेंटेज ऐड करना होगा एज अ वेस्टेज, क्योंकि उसको काटते हैं हम लोग तो उसका वेस्टेज होने का चांसेस रहता है। और आपको बैटन्स की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये भी सारी चीज़ें पता है। तो हमको आज देखना था कि एक कप लॉक सिस्टम में कौन कौन से मटेरियल्स लगते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आज हमने सीख ली। तो देखा इंजीनियर्स कि कितना इजी था इसको कैलकुलेट करना, और हमारे इंजीनियर्स ने इसको आज बड़ी आसानी तरीके से सीख लिया। और इंजीनियर्स, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनसाइट ट्रेनिंग को, जो इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे ऑनसाइट फिजिकल मॉडल में ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिखाई जाती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हमारे इंजीनियर्स आज यहाँ पर आए हुए साइट पर, जिन्होंने आज पूरे शटरिंग के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को देखा, जो उन्होंने क्लास में पढ़ा था उनके क्लासिफिकेशंस को देखे, और आज इन्होंने आज चेक किया कि सही में वैसी चीज़ें होती है कि या नहीं होती। तो इंजीनियर सच में वैसा ही किया है कि नहीं किया गया है? यस सर। ठीक है, आप लोग ने देख लिए, क्या क्या देखा आप लोग ने आज? सर, आज हमने बीम की शटरिंग, स्लैब की शटरिंग और कॉलम की शटरिंग, ये सब हमने चेक किया कैसे लगती है, और बाकी चीज़ें जो हो गया अपना शिकंजे, ये बात जो नॉर्मल चीज़ें रहती है वो भी यूज़ आज देखने को मिली है, और पूरी डिटेलिंग के साथ समझ में आई। तो अभी कोई डाउट है शटरिंग के पार्ट में आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो सभी इंजीनियर, सभी का क्लियर है डाउट? कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके,
तो इंजीनियर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप फिर से अगेन कौन सा वीडियो चाहते हो, ताकि आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो लाऊं, ताकि आपके साथ साथ सभी इंजीनियर्स को सीखने का मौका मिले। आगे और भी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। और करना है कुछ खास, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।